हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं परमल यानी कि मुरमुरा डिश। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये थोड़े से परमल रखे हुए थे और ये काफ़ी पुराने हो गए थे, तो इसका क्या यूज़ करते, ये हल्के से सिलने लग गए थे। तो इसको खाते तो अपन खाने में अच्छे नहीं लगते, तो सोचा इसका कुछ बना के ट्राई करा जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने दो कटोरी परमल लिए, मैंने अभी आपको जो कटोरी दिखाई थी मैंने वही कटोरी का साइज़ का परमल लिए हैं और उसके अंदर पानी डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से गला दिया है। तो आप देख सकते हैं मैं उसको पानी डाल के उसको कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा सा गलने के लिए रख दूंगी। आप चाहे तो इसे गला के भी पीस सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्ट मिक्सी में पीस के इसका पाउडर भी बना सकते हैं। तो उस मैंने उसको ढक के रख दिया है। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने आधी कटोरी रवा लिया है। फ्रेंड्स, आप सूजी भी ले सकते हैं, अगर सूजी थोड़ी सी मोटी रहती है तो आप उसे हल्का सा बारीक मिक्सी में पीस लीजिए, अगर आपके पास रवा नहीं हो तो आप उसके अंदर दही डाल के इसको भी थोड़ी देर गलाने के लिए रख दीजिए। आप सूजी रख दीजिए, रवा रख दीजिए। इसके बाद जितने हम हमारी चटनी की तैयारी कर लेते हैं, तो नारियल की चटनी बनाने के लिए मेरे पास गीला नारियल नहीं था फ्रेंड्स, मैंने सूखे नारियल की चटनी बनाई है। इसके लिए मैंने थोड़ी सी चने की दाल ली है, सूखा हुआ नारियल और थोड़े से मूंगफली के दाने लिए सीखे हुए और बारीक कटी 3 से 4 हरी मिर्च। उसके बाद इसके अंदर नमक डाला है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर 1/2 चम्मच नमक डाला है। फिर काली मिर्च डाली है, काली मिर्च ऑप्शनल है फ्रेंड्स क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्ची भी रहती है, आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है और इसे मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे क्योंकि नारियल की चटनी तड़के के बिना अधूरी है। अब तड़का रेडी करने के लिए हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल रखा है फ्रेंड्स, करीब 1 चम्मच तेल। उसके अंदर हम राई डालेंगे और ये रेड वाली जो हरी मिर्च होती है, एक सूखी हुई रेड वाली हरी मिर्च वो, और थोड़ी सी कड़ी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता डालेंगे और इस तड़के को हम हमारी चटनी में डाल देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें चटनी तड़के में चटनी नहीं डलती, चटनी में तड़का डलता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये बिल्कुल रेडी है और ये लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी। अब इसके बाद में हम हमारे परमल देख लेंगे यानी कि हमारे मुरमुरे, वो अच्छी तरह से गल चुके हैं और उसके बाद में फिर हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। हम मुरमुरे को अच्छी तरह से पानी निकाल के पूरा इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं पूरा मुरमुरा इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम ढक्कन लगाएंगे और मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये मैंने पीस लिया है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो रवा हमारा गलाया था उसको इसमें डाल देंगे और हम पूरा मिक्सचर एक बार मिक्सी के अंदर चला लेंगे ताकि पूरा एक जैसा मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा जो रवा और मुरमुरा का जो मिक्सचर था वो पूरी तरह अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं ये कितना थिक है, हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। अब इसके अंदर हम बारीक कटी शिमला मिर्च, बारीक कटे टमाटर, बारीक कटा प्याज और बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे। फ्रेंड्स, आपके पास घर में जो भी वेजेज हो आप इसके अंदर वो डाल सकती हो। मैंने इसके अंदर बारीक कटी हरी मिर्च भी डाली है, नमक डाला है। इसके अंदर आप जो भी आपके पास घर में वेजीज हो, आप प्याज नहीं खाते तो उसे अवॉइड कर सकते हैं, आपके पास गाजर शिमला मिर्च नहीं हो तो आप केवल प्याज टमाटर भी डाल सकते हैं, तो भी इसका टेस्ट वैसा ही रहता है। उसके बाद हमने इसमें काली मिर्च डाली फ्रेंड्स, वेजीज से इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास जो भी वेजीज आप इसके अंदर डाल सकते हैं और नहीं हो तो अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने करीब 1/2 चम्मच इनो डाला है, इनो ऑप्शनल है फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं आप इसे डालें, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर ये हमने तेल के अंदर राई डाल के एक तड़का रेडी करा था, इसके अंदर फ्रेंड्स हमने ये डाला है क्योंकि इसके अंदर राई का तड़का का टेस्ट ही अलग रहता है। फिर तवे के ऊपर हम जैसे चीला बनाते हैं लाइक डोसा, अपमम बोलते हैं ना, जिस तरह से हम इसे बना सकते हैं खांडवी फ्रेंड्स, लाइक खांडवी जैसे हम सूजी की चावल की खांडवी बनाते हैं उस तरह से हम इसे मुरमुरे की खांडवी भी बना सकते हैं। ये खाने में बिल्कुल चावल का टेस्ट आता है फ्रेंड्स, आप ऐसा लगते हैं जैसे चावल के घोल के या चावल के पेस्ट की ही खांडवी बना रहे हों। उसी तरह से हमें इसे तवे पे खांडवी बनानी है,
तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सीख गई है। और फ्रेंड्स, एक साइड पे मैंने एक तवे पे इस अप्पे का तवे पे इसका घोल डाला था, तो आप देख सकते हैं ये अप्पे भी कितने बढ़िया सिकने लग गए हैं और हमारे अप्पे भी रेडी हो गए फ्रेंड्स। मतलब मैंने एक ही घोल की दो डिश बनाई है, एक साइड मैंने खांड भी बनाई है गैस पे, तो एक गैस पे मैंने अप्पे बनाए हैं। और इसमें भी हम थोड़ा तेल डालेंगे, आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल रेडी और खांड भी बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से सीख चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर वेजिस है फ्रेंड्स, तो इसलिए एकदम गोल गोल राउंड नहीं है। कहीं कहीं से इसके अंदर वेजिस बाहर निकल रही थी, तो ये थोड़े से शेप में नहीं बने, पर खाने में दोनों बहुत टेस्टी है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने चावल के आटे के जो डोसे का बैटर होता है, आपने उसी के अप्पे बनाए हों और उसी की खांड भी बनाई हो। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है। ये आपको, आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और ये आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये अंदर से भी कच्ची नहीं है, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से पक चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।